जामिया मिलिया इस्लामिया की लॉ स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि नफरत किस हद तक और कितनी समझ रूट तक जा चुकी है कि एक लॉ स्टूडेंट हो के जिसको समझ में आना चाहिए कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके बावजूद वो लड़की ऐसा बयान देती है। आपको इन मैडम का इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाता हूँ, जिनका नाम है मारूफ परवेज़, आईडी भी दिख रही होगी, आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं। स्टोरी अब नहीं मिलने वाली क्योंकि एक दो दिन हो गया है। मैडम लिखती हैं, व्हाई यू ऑल आर ऑब्सेस्ड विथ ग्लोरीफाइंग वॉर क्रिमिनल्स, और फोटो भी लगाई है मैडम ने, और वो ये कहना चाहती हैं कि जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने जंगलों में कुछ फैमिलीज फंसी हुई थी, उनकी जान बचाते बचाते वो शहीद हुए, और जाहिर सी बात है वहाँ पर कश्मीरी हिंदू पंडित तो बचे नहीं, मुसलमान ही थे, तो इनको उससे भी प्रॉब्लम है। मर जाने दिया होता तब भी दिक्कत होती, और बचाते बचाते खुद मर गए, खुद शहीद हो गए, तो उसमें भी दिक्कत है। तो मैडम कहती हैं कि क्यों इन वॉर क्रिमिनल्स को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहती हैं कि दीज फोर्सेज हैव इलीगली ऑक्यूपाइड एंड कमिटेड ग्रॉस ह्यूमन राइट वायोलेशंस इन कश्मीर फॉर 70+ ईयर्स। अब आप ये देखिए, चलिए ये इस बात से भी एग्री करती हैं कि कांग्रेस सरकार में भी ऐसा हुआ है भाई, और ये कह रही हैं कि इन लोगों ने इलीगली कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है और ह्यूमन राइट वायोलेशन किए, और जो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए बंदूक उठाता है उसको ये लोग टेररिस्ट बोलते हैं और इनको मर्डर्स बोला जाता है। मेक इट सेंस, क्या ये इसका कुछ सेंस बनता है? तो मैं मैडम से कुछ कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो जनता जो यहाँ तक पहुँच गई है एटलीस्ट, वो शेयर करे इस वीडियो को, इतना कम से कम शेयर लाइक जो करना चाहे करे, ताकि वो इतनी मेक श्योर करे कि मेरा ये जवाब या जिस यूट्यूबर ने ऐसी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई उसका ही वीडियो शेयर करो, उन सबका जवाब उसकी कान तक गूंजे, सरकार के कान तक गूंजे कि ऐसे देशद्रोही गद्दार जो हमारे धरती पे पनपते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद भी मतलब उससे अगर टेक्निकलिटीज पर बहस की जाए तो वो हार जाएगी, लेकिन उसने जो देशद्रोही गद्दारी वाला काम किया है। और मैडम ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफाइल्स डिलीट कर दी हैं, और वो जिस लॉ फॉर्म से जुड़ी हुई थी उन लोगों ने भी इनसे अपनी दूरी बना ली है, और ये कहते हुए देयर हैज़ बीन अ ट्वीट रिलेटेड टू द रीसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन कश्मीर परपोर्टेडली बाय अ मेंबर ऑफ आर फॉर्म, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट द पर्सन वॉज अ स्टूडेंट इंटर्न इन अक्टूबर 2019 एंड हैज़ नो कनेक्शन विद द फॉर्म एनी मोर फॉर्मल और इनफॉर्मल व्हाट्सोएवर। तो ये फॉर्म भाई, इसके कुछ ज़मीर होगा अपने सिपाहियों के प्रति, कुछ ईमान धर्म होगा कि इन लोगों ने इनसे किनारा कर लिया है। मैडम ने अपना अकाउंट डिलीट कर लिए हैं, अब चाह रही है ना कि बचे किसे, लेकिन साइबर सेल में अभी भी इतनी ताकत होती है कि जो बच्चों के लिए, जो बच्चों वाला केस था अभी बॉयज़ लॉकर रूम, उसके लिए पुलिस पहुँच गई इंस्टाग्राम तक, हर चीज़ छानबीन कर ली, लेकिन इस गद्दारी वाले केस में अगर पुलिस ने प्रोएक्टिवली काम नहीं किया तो जनता की लापरवाही है कि उस मैटर को अगर हम बढ़ा चढ़ा के वायरल करके, क्योंकि वायरल करने वाली जनता होती है, किसी एक के पोस्ट कर देने से चीज़ वायरल नहीं हो जाती, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी आपने उस मुद्दे को तूल दी, ये उससे बड़ा मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, आपके ऊपर है कि कितना इसको वायरल करते हैं। इस मुद्दे की बात करूँ, इस वीडियो की नहीं, तो आप वायरल करिए, इन लोगों का, ऐसी मानसिकता वालों का अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और एक एग्जाम्पल सेट होना ज़रूरी है कि तुम पढ़ लिख के भी देश के किसी काम नहीं आ सकते। मैडम के ऐसा लिखने के बाद जब विरोध जताया गया तो कुछ समय के अंदर ही इनके सपोर्ट में भी लोग आ गए, तो उनका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूँ। लिख रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया जा रहा है, मतलब देश को गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, देश के जवानों का अपमान करना भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जलील करना, और सोचो उनके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे जब ऐसे मुद्दे बाहर आते होंगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति, हमारा पिता कोई शहीद हो रहा है 130 करोड़ के लिए, उसमें से एक तुच्छ प्राणी कीड़ा निकल के आता है और ये कहता है, पढ़ा लिखा इसी के टैक्स पेयर से, क्या पता आर्मी के फैमिली के किसी पैसे से कुछ हिस्सा गया हो, मतलब एक बात बता रहा हूँ, टैक्स पेयर का किस्सा, किसका हिस्सा कहाँ लगता है किसी को नहीं पता, लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसे से ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, इस देश पे पलते हैं और इस देश को दीमक की तरह चाटते हैं, तो उनको तो बुरा लगेगा ना। खैर, तो वो जो सपोर्टर है वो क्या कह रहा है, वन ऑफ माई कश्मीरी जूनियर फ्रॉम माई अल्मा मैटर फैकल्टी ऑफ लॉ JMI जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज सब्जेक्टेड टू डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, जेनोसाइडल कॉल, सेक्सुअल वर्बली, व्हाट वाज हर क्राइम। अब मुझे नहीं पता कि इतने सारे थ्रेट मैडम को मिल रहे होंगे, लेकिन देश के विरोध में अगर ये कुछ कह रही हैं तो अगर इनको कुछ ढंग से गरियाए बिना और अरेस्ट ना करे और फांसी ना दे तो इससे कम इन पे कुछ फूल की बारिश तो की नहीं जा सकती। मैं एक
नॉर्मल इंडियन सिटीज़न होते हुए, इंडियन सिटीज़न के नाते मैं डिमांड करता हूँ कि इन मैडम को तुरंत अरेस्ट किया जाए, NSA लगना चाहिए और देशद्रोह का कानून रजिस्टर होना चाहिए और इन मैडम को तुरंत से तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि ऐसे लोग स्टूडेंट नहीं होते, ऐसे लोग पढ़े लिखे आतंकवादी होते हैं। पहली चीज़, इज इट अ क्राइम टू सीक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन इंडियन गवर्नमेंट फॉर द ह्यूमन राइट वायलेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस, इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंस, टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस कमिटेड इन कश्मीर? ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सेक्सुअल अब्यूज, टॉर्चर, ये वो, मतलब ऐसा लग रहा है ये लोग रोज कश्मीर में जाके सब देख के आते हैं और ये लोग खुद ही वो वीडियोज़ बनाते हैं, फोटोज़ बनाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, इनको सब पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन जवानों के साथ क्या हो रहा है इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। एक भाई साहब और आए, कहते हैं इज टेलिंग ट्रूथ अ क्राइम? नो, इट्स एन एक्ट ऑफ करेज, हैव अ, मतलब ये सब करेज है। हैव अ लुक एट द बर्थ ऑफ गोबर हुज टेलिंग हर टेररिस्ट, मतलब अगर किसी ने अपोज किया है मैडम का कि आप क्यों बोल रहे हैं, उनको टेररिस्ट सिंपथाइजर बोला है, जो कि मैं भी बोलता हूँ, तो ये कह रहे हैं कि वो गोबर से पैदा हुआ है, मतलब वो सीधा रिलीजियस अटैक है, गाय गोबर, गोबर से पैदा हुआ, ठीक है। आई टू से वॉट शी सेज इवन मोर, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू सिस्टर, मोर पावर टू यू, मतलब ऐसे जाहिलों को, मतलब आपको मैं एक एक चीज़ दिखा दूंगा और एक एक चीज़ आप साइड में देख भी रहे होंगे और मैडम की फ़ोटो देख के लग रहा है कितनी शरीफ बच्ची है, कभी उससे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती, पर इतने मासूम चेहरे के पीछे एक जिहादी छुपा हुआ है जो जिस देश में है उस देश को दीमक की तरह चाट रहा है। मैं प्यारे शब्दों में और बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में मैं कुछ नहीं कह सकता। शी डजेंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट, अभी तक इस पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये जनता एश्योर करे, वीडियोस को, लिंक्स को, न्यूज़ को, हर चीज़ को शेयर करके, ट्विटर पे पोस्ट करके, टैग करके, हर वो चीज़ पूछना ज़रूरी है। अगर ये देश को गाली देना अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझती है तो आपका भी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका ये राइट है, आप ये जानें कि ऐसे गद्दारों पे एक्शन लिया गया कि नहीं। अगर लिया गया है या आप पूछ रहे हैं, आपने पूछा कुछ भी, तो आप कमेंट बताइए कि इस पर क्या एक्शन लिया गया है या क्या करने वाले हैं इसके लिए, क्योंकि कई चीज़ें वायरल होती हैं। बॉयज़ लॉकर रूम वायरल हुआ, मैं बार उस पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मुझे नहीं लगता कि आगे चल के लड़कों की गलती नज़र आएगी, क्योंकि दो अलग अलग मुद्दे थे, मिक्स करके उनको फंसाया गया है। दूसरी चीज़ ये कि इस मुद्दे में जिसमें बिल्कुल सब कुछ खुला है और लड़की गलत थी इसलिए उसने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अपने डिलीट किए और इसकी चीज़ें वायरल नहीं हुई अभी तक, जनता सो रही है। लड़की ने देश को गाली दी, लड़की ने जवानों को गाली दी, लड़की ने जवानों के मरने पर उनको कहा कि इनको मार्टिर्स नहीं कहना चाहिए और टेररिस्टों को वो इज्जत दे रही है, शायद इनके लिए टेररिस्ट ही असली फौजी है। खैर आज के लिए इतना है, जनता जितना स्ट्रॉन्ग कंडेम करेगी उतना ही ये पढ़े लिखे जिहादी आतंकवादी अंदर जाएंगे, नहीं तो अगर पनपते रहेंगे हमारे टैक्स के पैसे से पलते रहेंगे। तो मुझे पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कितने % मुसलमानों को रिजर्वेशन है और फिर वो अपने आप को सेकुलर बनता है और डेमोक्रेसी की डिमांड करता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिमांड करता है। मुझे कुछ स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं, जनता समझदार है। मैं रात में आके इस कपड़े में, इस हालत में इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं सुबह से कुछ कहने का मन कर रहा था, कुछ चीज़ें फंस रही थी, नहीं हो पा रहा था टेक्निकल फॉल्ट से, लेकिन अभी मैंने मौका मिला है, मैंने बात की है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे ये वीडियो आगे बढ़े, कैसे ये मुद्दा आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम।